हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू न्यू ईयर कलेक्शन। मैं आप लोगों के लिए आज ओरिजिनल जेड कलेक्शन लेकर आई हूँ। हमारे पास जो आज का कलेक्शन है वो हमारे पास नीडल वंडर, इसका कैटलॉग का नेम है। और इसमें हमारे पास, मैं आपको बता दूँ, काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस हैं, लाइक 15 to 17 डिज़ाइंस हैं जो मैं आपको आज दिखाऊंगी। और सारे ही डिफरेंट हैं सब में, लेकिन फ्लोरल प्रिंट मिलेगा क्योंकि जेड में आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली जो होता है वो फ्लोरल प्रिंट आता है। तो आज का जो कलेक्शन है लॉन कलेक्शन है, ओरिजिनल पाकिस्तानी है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। जो इसके प्राइसेज हैं वो मैंने ऑलरेडी टाइटल में मैंशन कर दिया, तो आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें हमारे पास जो दुपट्टा है, आई थिंक प्योर का दुपट्टा दिया है इसमें। और उसके चारों तरफ जो है आपको मतलब बॉर्डर कह लें या लेस कह लें, उस टाइप का आपको दिया हुआ है, तो वो आपका इसमें लगेगा। एंड पैचेज हैं इसमें, ठीक है। बाकी फैब्रिक पे सारा आपको सेल्फ में प्रिंटिंग मिलेगी। तो मैं अब देर नहीं करती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, पीसेस काफ़ी ज़्यादा है दिखाने के लिए, तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। आपको एक दो पीस दिखाऊंगी ना, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट का आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का कॉन्सेप्ट दिया है, मतलब किस टाइप का पैटर्न के साथ में ये सूट्स हमारे पास अब इसमें अवेलेबल है। तो वो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इनको सेट कर लेती हूँ पहले, क्योंकि ये काफ़ी मतलब फिसल रहे हैं। तो एक मिनट, फैब्रिक, हाँ, तो मैं अब आपको इसका दिखाना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए, कलर्स का मैं आपको आइडिया बता दूँ कि इसमें कलर्स जो है ना, हमारे पास आपको 2 से 3 शेड, क्योंकि इसमें पिंक के काफ़ी शेड्स जो हैं वो मुझे खुद को सिमिलर लग रहे हैं, तो आपको वीडियो में तो लगेंगे, तो इसीलिए आप लोग देखते रहिए। मैं वैसे बता दूँगी कि कैसा शेड है इसका, लेकिन थोड़ा सा ना, आप भी अगर जो भी आपको पसंद आए तो आप फॉरन हैंड टू हैंड स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको बाद में कन्फ्यूजन हो जाए कि कौन सा वाला डिज़ाइन मैंने देखा था जो मुझे पसंद आया था, तो वो इस वजह से, ठीक है। इसमें पिंक के काफ़ी ज़्यादा शेड्स हैं, ग्रीन के भी हैं लेकिन पिंक के काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मैं फ़र्स्ट पीस आप लोगों को दिखाना स्टार्ट करती हूँ, जो कि हमारा है इसका ग्रे कलर, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, इसकी कैटलॉग पिक्चर है ये, ठीक है। और इसका मैं अब आपको शर्ट का पार्ट दिखाती हूँ, ये देख लीजिए। तो ये इस टाइप से रहेगा। जो शर्ट का मटेरियल है, प्योर लॉन फैब्रिक है। और इसका मैं आपको बता दूँ, इसमें रनिंग में दिया हुआ है सब चीज़। आपको स्लीव्स मिलेगा शर्ट का, फ्रंट साइड देन बैक साइड, इस टाइप से मिलेगा। एंड इसमें स्लीव्स सारे डिज़ाइंस में आपको फुल मिलेंगी। फुल से मतलब ये लेंथ शॉर्ट नहीं रहेगी, लेंथ इसमें आप फुल ले सकते हैं, या फिर शॉर्ट करवाना चाहें आप तो ऊपर से आप इसको कम करवा सकते हैं फैब्रिक को, तो वो आपके अपने ऊपर है, लेकिन लेंथ इसमें फुल दी हुई है। एंड स्लीव्स की विड्थ कितनी भी बन जाएगी, जितना भी आप बनाना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक है। एंड प्लस साइज इसका भी बहुत आराम से बन जाएगा, क्योंकि आपके सामने है कितना ज़्यादा इसमें हमें फैब्रिक दिया हुआ है, विड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अराउंड 6XL तक इसमें ईजिली बन जाता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ इसका, ये आप देख लीजिए, ये एक साइड का प्रिंट है, फ्रंट का है, बैक का है वो इतना मतलब मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्रंट और बैक में आई थिंक सेम सा ही प्रिंट इसमें दिया हुआ है, तो वो इस वजह से ना ज़्यादा इसमें पता नहीं चल रहा है फ्रंट और बैक का। तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। इस वाइट लाइन के नीचे से जो है आपके दूसरे साइड का है, तो आप देखोगे कि फ्रंट और बैक का ना लगभग जो है वो सेम सा ही दिया हुआ है। और इन सारे ही डिज़ाइंस में आपको फ्लोरल प्रिंट मिलेगा, कोई भी मतलब ऐसा प्रिंट नहीं है जो कि आप ना पहन सकें, ठीक है। क्योंकि नमाज में हम लोग काफ़ी सारे प्रिंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं पहन सकते हैं, तो वो ऐसा कोई भी इसमें प्रिंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सारा फ्लोरल प्रिंट ही इसमें आपको मिलेगा। और ये देख लें आप, इसका लॉन फैब्रिक में सेम टू सेम ग्रे कलर में ट्राउज़र का मटेरियल आपको दिया हुआ है इसमें। और ये है इसका पैच, पैच आप देख लीजिए इसका, ये आपका एक पैच लग जाएगा नेक लाइन पे, ठीक है। ये इस टाइप से दिया हुआ है। और ये प्योर दुपट्टा है, प्योर का दुपट्टा, देखिए हम लोग कहते हैं शिफॉन के दुपट्टे को, ठीक है, लेकिन ये वेटेड मतलब जो होता है ना, जैसे कि रेप्लिका में आता है क्रिंकल्ड होता है, बहुत लाइट एंड वेट होता है, ये वैसा नहीं होता। मैंने आई थिंक आपको कल वाली वीडियो में ही बताया था कि प्योर का और उसमें क्या डिफरेंस रहता है, जो रेप्लिका में शिफॉन आता है, लेकिन ये वाला इसमें वज़न होता है, वेटेड होता है ये वाला दुपट्टा, और आराम से आपके सर पर भी रुक जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्योर का दुपट्टा, बहुत सॉफ्ट रहता है एंड स्टैम्प के साथ मिलेगा आपको, ठीक है। और ये देख लीजिए पूरा आपका ना ये प्रिंट इसमें दुपट्टे में हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ कि इसमें ना आपको दुपट्टे के चारों तरफ के लिए ये आपको बॉर्डर दिया हुआ है, ठीक है। आपको मैं दिखा देती हूँ, कैटलॉग पिक्चर में आपको नज़र आ जाएगा, दुपट्टे पे ये आपको नज़र आ रहा होगा एम्ब्रॉयड्री, तो ये जो एम्ब्रॉयड्री आपको नज़र आ रही है, तो ये बॉर्डर लगेगा, ठीक है। ये देख लें, काफ़ी ज़्यादा इसमें ये दिया हुआ है पूरा, काफ़ी बड़ा सा, तो आप इसको लेंथ वाइज लगवा लेंगे तो ये पूरा दुपट्टा जो है उसका गेटअप बहुत खूबसूरत आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से बॉर्डर दिया हुआ है, तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप के डिज़ाइन इसमें रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पीस था ग्रे कलर। आपको जो भी समझ में आ रहा हो इसमें से, तो आप हैंड टू हैंड ना उसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। और आप व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि ऑर्डर्स जो है हम लोग व्हाट्सएप पर ही लेंगे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ नेक्स्ट डिज़ाइन,
नेक्स्ट डिज़ाइन जो ये हमारे पास है, ये हमारे पास थोड़ा डल पर्पल टाइप का शेड है, ये इसकी कैटलॉग पिक्चर है, ठीक है। इनले कार्ड पे देखिए, इनले कार्ड पे ना आप बहुत सिंपल सा इनले कार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये वाले जो इनले कार्ड्स होते हैं यहीं पे ही इंडिया में आके जो है ये प्रिंट किए जाते हैं, तो इस वजह से काफ़ी बार जो है थोड़ा सा आपको ना सिंपल सोबर लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कि पता नहीं कैसा है, लेकिन ये ओरिजिनल पीसेज हैं जो मैं आपको सारे दिखा रही हूँ। और सारे के सारे डिज़ाइंस ना आपको सारे पीसेस पे, आपको दुपट्टे पे और शर्ट पे सब जगह आपको स्टैंप लगी हुई मिल जाएगी, ठीक है। तो अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा देखिए, इसका ना हल्का सा पर्पल टाइप का शेड है, पर्पलिश ग्रे टाइप का शेड है, लाइक प्रॉपर पर्पल नहीं है लेकिन पर्पलिश ग्रे टाइप का है, लेकिन डल है, ठीक है। अगर वीडियो में अगर ब्राइट आ रहा है तो वो देख लीजिए, थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क आता ही है, लेकिन इसका मैं आपको खुद बता रही हूँ ना, हल्का सा डल पर्पल टाइप का शेड है। और ये आप देखेंगे इसमें स्लीव्स का आपको पूरा प्रिंट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक स्लीव्स हैं इसकी, और इसके नीचे जो है ये आपका शर्ट का फ्रंट वाला पार्ट है या फिर बैक है, तो क्योंकि एक्चुअली इस पर मेंशन नहीं होता ना फ्रंट एंड बैक, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, पहले मैं आपको दोनों देख लूँ फिर बताती हूँ। हाँ, तो ये आई थिंक फ्रंट साइड है इसकी, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे ना पैच लग जाएगा नेक लाइन का, तो ये आप पूरा प्रिंट चेक कर लीजिए। एंड इन पे सब पे जो प्रिंट आपको मिलेगा वो सब पे डिजिटल प्रिंट मिलता है, जो कि बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के जैसा लगता है, बहुत फाइन होता है, बारीक एकदम। अब ये वाला जो पार्ट है ये आपकी बैक साइड है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये इस टाइप से दिया हुआ है, और इसका ये देख लीजिए, तो ये पूरा प्रिंट हो जाएगा फ्रंट का एंड बैक का। और ये हो जाएगा इसका ट्राउज़र का फैब्रिक, सेम टू सेम कलर में आपको मिलेगा। ये इसकी नेक लाइन का पैच है, ये देख लीजिए, ओ एक सेकेंड, हाँ इसी टाइप से सीधा है, तो ये नेक लाइन का पूरा पैच हो जाएगा जिसपे कि रेशम का काम है। तो इसकी नेक लाइन्स में जो पैचेस दिए हुए हैं नेक लाइन के लिए, उसमें कोई भी आपको सीक्वेंस वर्क नहीं है, कोई जरी का काम नहीं है, ओनली रेशम का काम आपको मिल जाएगा इसमें। और ये है इसका दुपट्टा, जो कि प्योर का दुपट्टा है, प्योर का मतलब शिफॉन का आप समझ सकते हो, लाइक शिफॉन का भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। काफ़ी लोगों को प्योर का दुपट्टा नहीं समझ में आएगा, तो शिफॉन का दुपट्टा आप कह लीजिए इसमें, ठीक है। लेकिन हैवी है, काफ़ी अच्छा है, स्पेशली आप घर में पहने या बाहर पहने आपको बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल फील होगा इसमें। तो ये आप दुपट्टे का प्रिंट वगैरह चेक कर लीजिए, ठीक है, पूरे पे फ्लोरल प्रिंट आपको मिल जाएगा। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ उसका जो साइड में बॉर्डर दिया हुआ है दुपट्टे के लिए, तो वो आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये इस टाइप से पूरा ये बॉर्डर, अच्छा मैं आपको बता दूँ, सारे जितना भी बॉर्डर है ना उसमें कटवर्क हो रहा है, कटवर्क एंड जो शिफली वर्क जिसे हम कहते हैं ना, तो वो उस टाइप का आपको इसमें वर्क मिल जाएगा। ये देख लीजिए, इस टाइप का पूरा बॉर्डर आपको इस टाइप का मिल जाएगा। देखिए एक्चुअली जो इसका गेटअप आएगा ना, जो एक्चुअल गेटअप है वो इसका लगने के बाद ही आएगा बॉर्डर का, ठीक है। तो ये इसकी कैटलॉग पिक्चर है, आप देख लीजिए। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ नेक्स्ट हमारा डिज़ाइन। नेक्स्ट डिज़ाइन जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो हमारा ग्रीन कलर में है, डार्क ग्रीन शेड है, ये देख लीजिए। ये कैटलॉग पिक्चर में थोड़ा सा ब्लैक आ रहा है, लेकिन ब्लैक नहीं है, ग्रीन शेड है, एकदम डार्क वाला जो ग्रीन होता है, ये देख लीजिए। लेकिन डिज़ाइन बहुत प्यारा है, सारे ही प्यारे होते हैं जेड के, तो आपने हमेशा देखे होंगे कि डिज़ाइन जो आते हैं ना वो सब बेहद बेहद अच्छा आता है, क्योंकि फ्लोरल प्रिंट होता है, फ्लोरल प्रिंट मोस्टली सबको पसंद होता है। तो वो ये आप देखें, ये हमारा ग्रीन में शेड है, बहुत डार्क वाला एकदम ग्रीन है। ये आपका स्लीव्स का है पूरा, आप देख सकते हो यहाँ तक, इस वाली लाइन तक आपका स्लीव्स का आपका आ जाएगा प्रिंट, और ये आपका फ्रंट साइड आ जाएगी, पूरा प्रिंट आप देख सकते हैं, फ्लोरल प्रिंट आपको उसमें मिल जाएगा फ्रंट साइड का, ठीक है। ये देख लीजिए, ये फ्लोरल प्रिंट हो जाएगा, इस वाले जो लाइन है इसके नीचे वाला जो है ये आपका बैक साइड है इसका, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये इसकी बैक साइड हो जाएगी। तो ये हमारा शर्ट का मैंने आपको इसका दिखा दिया है। ट्राउज़र्स का जो ना इसमें एक ही सॉलिड कलर में, मतलब कोई प्रिंटिंग वगैरह नहीं है, सॉलिड कलर में दिया हुआ है, और 2.5 मीटर के अराउंड में फैब्रिक होता है ट्राउज़र के लिए। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसका जो पैच है, ये देख लें, नेकलाइन का काफ़ी सोबर सा, काफ़ी खूबसूरत सा पैच है, जिसमें कि पूरा रेशम का काम हो रहा है। और ये है इसका दुपट्टा, जो कि हमारा शिफॉन का है, आप इसका डिज़ाइनिंग देख लीजिए, इसमें जो प्रिंट आ रहा है, ठीक है, पूरा वही सेम टू सेम है सूट के मैचिंग का, काफ़ी खूबसूरत सा पीस लग रहा है, क्योंकि लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन है, तो वैसे भी अट्रैक्टिव लगता ही है, ठीक है। ये देख लीजिए, और ये इसके बॉर्डर है, बॉर्डर तो देखिए मैं अब आपको ये वाला दिखा रही हूँ, वैसे मैं ज़्यादा खोल खोल के, क्योंकि बॉर्डर का ये है कि आपको मतलब सेम ही मिल रहा है ऑलमोस्ट, इसमें जैसे मैंने आपको बताई दिया कटवर्क आ रहा है सारे बॉर्डर्स में, शिफली वर्क आ रहा है, तो उस टाइप का है, एंड ब्राउन कलर का इसमें काम है, ठीक है, मैचिंग का। और ये इसकी कैटलॉग पिक्चर है, ठीक है।
और अब मैं आपको दिखा रही हूँ नेक्स्ट डिज़ाइन। नेक्स्ट डिज़ाइन जो हमारे पास है बहुत ही लाइट सा डल टाइप का पिंक टाइप का कलर है, ठीक है, ये देख लीजिए, ये इसकी कैटलॉग पिक्चर है। कैटलॉग पिक्चर में काफ़ी ब्राइट सा नज़र आ रहा है क्योंकि जो ये प्रिंट होते हैं ना इसमें कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, तो इस वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन ये डल कलर है, डल ही आप इसको माइंड में रखिएगा तब आप ऑर्डर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कहें वीडियो में क्लियर मतलब वैसा ब्राइट नज़र आ रहा था, थोड़ा सा वैसा था, तो वो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। और ये देख लीजिए, ये इसके हो जाएंगी स्लीव्स, यहाँ तक ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक लाइन सी आपको नज़र आ रही होगी, तो ये ऊपर की इसमें सारी स्लीव्स दी हुई हैं। स्लीव्स का मेजरमेंट मैंने आपको बता ही दिया था, मेजरमेंट से मतलब मेरा ये है कितनी भी आपका मतलब आपको लॉन्ग पहनते हो लेकिन इसमें फुल स्लीव्स आपकी बन जाएंगी। फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है और अगर कोई प्लस साइज़ पहनता है जिसको 4XL 5XL चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं, ये इसमें विड्थ काफ़ी ज़्यादा दिया है, इसमें कोई भी शिकायत आपको नहीं आएगी विड्थ के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये फ्रंट साइड है, आप इसका प्रिंट चेक कर लीजिए और इस वाली लाइन के नीचे आपकी ये बैक साइड आ जाएगी जो कि पूरा आपको फ्लोरल प्रिंट के साथ मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका, ये इसकी ट्राउज़र का फैब्रिक है, आप देख लीजिए, ये इसका पैच है नेक लाइन का, बहुत ही सोबर सा पैच इसमें दिया हुआ है। ये इस पता है अगर आप वर्क प्लेस के हिसाब से भी इसको लोगे या फिर किसी को गिफ्टिंग के लिए भी आप लेंगे कोई भी आपको शिकायत नहीं मिलेगी, स्पेशली आपको तारीफ़ ही होगी क्योंकि इसका फैब्रिक हमेशा जेड का बहुत अच्छा आता है। एंड इसमें मैं आपको बता दूँ लाइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको ये लगे कि नहीं बहुत लाइट इन वेट हो रहा है और थोड़ा इसको मतलब और मतलब इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी शर्ट को, तो आप इसमें लाइनिंग लगवा सकते हैं, लेकिन इसमें लाइनिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इसका दुपट्टा आप चेक कर लीजिए, सेम टू सेम कलर में आपको दुपट्टा मिल जाएगा, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना पेस्टल टाइप का शेड है आपको ये इसमें ये दिया जा रहा है। और ये है इसका बॉर्डर, ठीक है, ये दुपट्टे के चारों तरफ इसमें बॉर्डर लग जाएगा, सेम टू सेम कलर में है, पिंक कलर में ही बॉर्डर। एंड ये इसकी कैटलॉग पिक्चर हो जाएगी और ये बॉर्डर्स ना आपको कोई भी इसमें लाइक पैच की तरह लगवाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल अटैच हो जाएगा, सिंपल एक स्ट्रेट स्टिच इसका होगा और ये बिल्कुल सिंपली इस पर लग जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी आपका एक्स्ट्रा जो है अमाउंट खर्च नहीं होगा, लेकिन हाँ जो नेक लाइन के लिए पैच दिया है अगर आप उसको पैच के फॉर्म में ही लगवाएंगे मीन्स एम्ब्रॉयडरी करके तो ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ नेक्स्ट डिज़ाइन। नेक्स्ट डिज़ाइन जो ये मैं आप लोगों के लिए खोलने वाली हूँ ये भी हमारे पास ग्रीन कलर में है, लेकिन इसका जो ग्रीन है वो थोड़ा सा ब्राइट ग्रीन है, ठीक है। ये देख लीजिए कैटलॉग पिक्चर इसकी, पहले आपको थोड़ा सा डिज़ाइन का आइडिया हो जाएगा। और देखिए आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना तो कैटलॉग पिक्चर का अगर आप लें जब मैं दिखा रही होती हूँ तो थोड़ा सा मुझे भी आसानी हो जाएगी देख के बताने में, ठीक है। तो हाँ इधर से चलें तो मैं अब आपको दिखाती हूँ, पहले मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी स्लीव्स का, ये देख लीजिए इसका भी काफ़ी जो कलर कॉम्बिनेशन है काफ़ी प्रिटी सा है, इसमें पिंक कलर का आपको पूरा फ्लोरल इसमें वर्क मिल जाएगा। और ये आप देख रहे हो पूरा प्रिंट है, ठीक है, स्लीव्स का है, यहाँ से इस वाली लाइन से फिर आपका ये फ्रंट साइड हो जाएगा शर्ट का, ये देख लीजिए पूरा प्रिंट, ठीक है, और इस लाइन से आपका ये बैक साइड हो जाएगी, ये वाली देख लीजिए, ये पूरा इसमें आपका बैक साइड आ जाएगी, तो ये पूरा फ्लोरल प्रिंट के साथ ही आपको इसमें मिलेगा। और ये हवा एक्चुअली बहुत तेज़ चल रही है तो मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, तो ये देख लीजिए ये इसका पैच हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका हो जाएगा ट्राउज़र का फैब्रिक, सेम टू सेम कलर में आपको दिया हुआ है, ये नेक लाइन का पैच है, ये इसमें ब्राउन ही कलर में सेम टू सेम ब्राउन कलर में आपको बॉर्डर दिया हुआ है जो कि दुपट्टे के चारों तरफ लग जाएगा। और अब मैं आपको उसका दुपट्टा दिखा देती हूँ, ये दुपट्टा आप देख लीजिए, ये इसका दुपट्टा हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम वही कलर प्रिंट में उसमें दिया हुआ है। एंड दुपट्टे का भी मैं आपको बता दूं अराउंड 2.5 मीटर के अराउंड दुपट्टा है और काफ़ी लंबा चौड़ा दुपट्टा है जो कि इसका ना बहुत ही अट्रैक्टिव सा लुक आ रहा है क्योंकि प्योर का दुपट्टा है, लंबा चौड़ा है और प्लस बॉर्डर लग जाएगा तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये देख लें इसकी कैटलॉग पिक्चर और अब मैं आपको दिखा देती हूँ नेक्स्ट डिज़ाइन। नेक्स्ट डिज़ाइन जो मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ ना वो मैं दिखा रही हूँ पिंक कलर, ठीक है, क्योंकि पिंक एंड ग्रीन ही इस वाले कैटलॉग में ज़्यादा देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ये देख लीजिए, लेकिन डिज़ाइंस जो हैं वो सब सारे मतलब अलग अलग हैं, कोई भी सेम नहीं है, तो आप कंफ्यूज़ मत हो जाइएगा क्योंकि सारे डिज़ाइंस अलग अलग हैं, भले ही पिंक कलर आ रहा है लेकिन सब अलग अलग ही हैं, तो वो आप देख लीजिएगा आपको मतलब कौन सा पसंद आ रहा है, कौन सा आपको लेना है, उसके हिसाब से ही आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके सेंड कीजिएगा।
अब ये वाला जो मैंने पिंक ओपन किया है ना, ये ब्राइट पिंक है, मतलब है तो लाइट शेड ही पिंक में, लेकिन वैसा वाला डल नहीं है, ब्राइट है। और इसका ये आप देखोगे पीचिश पिंक टाइप का शेड है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो ये देख लीजिए, ये स्लीव्स का हो जाएगा इसका, ठीक है। स्लीव्स का आप प्रिंट देख लीजिए, इस वाले लाइन के नीचे ये आपकी फ्रंट साइड आ जाएगी, ये देख लीजिए पूरी फ्रंट साइड, ठीक है। और इस लाइन के नीचे आ जाएगी आपकी बैक साइड, ये देख लीजिए, ये पूरा प्रिंट आप देख लें, पूरे पे आपको डिजिटल प्रिंट ही दिया हुआ है, सारे के सारे पीसेस पे डिजिटल प्रिंट दिया हुआ है। डिजिटल प्रिंट अट्रैक्टिव इसलिए लगता है क्योंकि बहुत बहुत बारीक होता है और दूर से एकदम एम्ब्रॉयडरी का लुक देता है। अब देखें इस वाले पीस में ये जो आपको पैच दिया है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिया है, तो ये इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है, जो कि आई थिंक पूरा लॉन्ग लग जाएगा। फिर मैं देख के आपको बताती हूँ अभी कि किस टाइप से लगेगा। ये इसके ट्राउज़र का फैब्रिक है सेम टू सेम कलर में, ये इसका दुपट्टा है, ये इसका दुपट्टा आप देख लीजिए, शिफॉन फैब्रिक का दुपट्टा है, ठीक है, ये देख लें पूरा प्रिंटेड आपको दुपट्टा इसका मिल जाएगा। और ये है इसका बॉर्डर, तो बॉर्डर जो इसका दिया हुआ है ना दुपट्टे का, वो आपको क्रीम शेड पे दिया हुआ है, क्रीम कलर की ही इसमें एम्ब्रॉयडरी है। और जो पैच जो मैं आपको बता रही थी वो आपका नेक लाइन पे ही लगा हुआ है, ठीक है, ये देख लें पूरा लंबा इसी टाइप से लग जाएगा पैच, वरना आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहें तो उसको थोड़ा डिज़ाइनिंग में भी पैच को लगवा सकते हैं, ऐसे बीच में से कटवा के इसको दो पैच भी कर सकते हैं, वो कम्प्लीटली आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पिंक कलर में दिखा दिया, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ नेक्स्ट डिज़ाइन। नेक्स्ट डिज़ाइन जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो हमारा एक बहुत ही लाइट सा शेड है, लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन है, तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख लीजिए पेस्टल शेड है ये वाला भी, और इसका कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा डार्क कलर के साथ है। अब इस कलर को एक्सप्लेन करना काफ़ी टफ है क्योंकि इसको कोई मतलब काफ़ी मिल मतलब ऐसा लग रहा है तो दो तीन शेड्स को मिला के जो शेड बनता है ना उस टाइप से। चले तो आपको मैं खोल के दिखाती हूँ, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, ये देख लीजिए। तो ये स्लीव्स का है इसका, ठीक है, प्रिंट आप देख लें स्लीव्स का इसका, तो इस वाली लाइन के नीचे से अब आप ये देखोगे ना, ये जो डार्क पार्ट है ना, ये बिल्कुल डल सा ब्लैक शेड लग रहा है, जो ये आप देख रहे हो ना ये डार्क कलर आ रहा है, ये बिल्कुल डल ब्लैक शेड है। ये वाला जो आपका है ना, जो उसका बेस कलर है शर्ट का, जो मेन कलर दिया हुआ है वो बहुत ही लाइट शेड है, तो उसी के ही मतलब मैचिंग का, और वो भी काइंड ऑफ लाइक डल सा लग रहा है, तो इसी के मैचिंग का आपको डल ब्लैक शेड दिया हुआ है। पूरे पे फ्लोरल प्रिंट आपको मिल जाएगा, इस वाइट लाइन के नीचे ये आपका फ्रंट साइड आ जाएगी, ठीक है, ये देख लीजिए ये पूरा फ्रंट साइड आ जाएगी, इस ब्लैक लाइन के नीचे आपकी बैक साइड आ जाएगी, ये देख लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा, और ये सेम टू सेम कलर में आपको ट्राउज़र का फैब्रिक दिया हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये बॉर्डर है दुपट्टे का, एक सेकेंड मैं पहले मैं आपको पैच दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी दुपट्टा। ये देखें ये इसका पैच दिया हुआ है एक, जो कि नेक लाइन पर लग जाएगा। ये दुपट्टा है सेम टू सेम कलर एंड कॉम्बिनेशन में शिफॉन का, ये देख लीजिए, ठीक है, ये इसका दुपट्टा हो जाएगा प्योर का। प्योर से मतलब ये होता है लाइक जो हैवी वेटेड शिफॉन होता है उसे बेसिकली प्योर बोला जाता है। और ये हमारे पास गोल्डन ब्राउन से शेड में आपको पूरा एम्ब्रॉयडर्ड जो है ये बॉर्डर मिल जाएगा, और सेम टू सेम कलर पे है। ये देखिए जो बॉर्डर है ना, ये जो एम्ब्रॉयडरी आपको बॉर्डर पे मिल रही है, जो कटवर्क मिल रहा है, जो शिफली वर्क है, जो ये रेशम का काम है, ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर है, तो ये बहुत अच्छा लगेगा लगने के बाद। और नॉर्मल स्टिच के थ्रू आप इसको लगवा सकते हैं, तो पूरा आप देखेंगे इसमें शिफली वर्क है और कटवर्क आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये बॉर्डर है जो कि दुपट्टे पे लेंथ वाइज लग जाएगा, और ये है इसकी कैटलॉग पिक्चर, ठीक है। और अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट डिज़ाइन, अभी तो काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन रह गए हैं दिखाने के लिए, तो आप लोग थोड़ा सा देखते रहिएगा सब्र के साथ, क्योंकि मैं भी आपको काफ़ी मतलब अभी दिखाना है, तो दिखा रही हूँ लाइन बाय लाइन। तो अब आप ये देखें ये नेक्स्ट डिज़ाइन है हमारा इसका, ठीक है, ये भी पिंक कलर में। अब मतलब मैं अब ना इतने सारे इसमें पिंक दिए हुए हैं और अभी भी बहुत पिंक है दिखाने के लिए, तो ये देख लीजिए ये हल्का सा टी पिंक टाइप का शेड है, ठीक है। तो ये देख लीजिए मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी स्लीव्स पहले, ये देख लें ये इसकी स्लीव्स हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये लाइन बनी हुई है, दोनों कलर आपको थोड़े थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं, क्योंकि ये बॉर्डर आ रहा है स्लीव्स का, तो बॉर्डर पे हल्का सा जो है वो शेड डार्क दिया हुआ है। तो ये स्लीव्स हैं इसकी, ठीक है, इस लाइन के नीचे से आपकी ये जो है शर्ट का फ्रंट वाला पार्ट आ जाएगा, ये पूरा आप देख लीजिए शर्ट का फ्रंट वाला पार्ट है, ठीक है, पूरे पे फ्लोरल प्रिंट है। इस लाइन के नीचे आपकी ये बैक साइड आ जाएगी, ठीक है,
ये देख लीजिए, और ये आपका ट्राउज़र का फैब्रिक है सेम टू सेम कलर में। ये इसका हो जाएगा पैच। पैच देखें, इसमें काफ़ी हैवी पैच दिया हुआ है, ये पूरा स्ट्रेट आपका लंबा सा एकदम बिल्कुल। और इस पे जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो बहुत भरी हुई, बहुत फाइन एम्ब्रॉयडरी इसमें आपको मिल जाएगी। पूरे पे रेशम का काम है, कलरफुल आपको इसमें वर्क मिल जाएगा। और ये है इसका दुपट्टा सेम टू सेम कलर में, ये देख लीजिए। पूरे दुपट्टे पे आपको ये प्रिंट मिल जाएगा, डिजिटल प्रिंट है पूरे के पूरे उस पर, ठीक है। एंड मैं आपको दोबारा से रिपीट बता दूँ कि आप लोग डाउट करते हैं कि ओरिजिनल है या नहीं, आई डोंट नो कि क्यों डाउट करते हैं। ओरिजिनल पीस को ही मैं ओरिजिनल बताती हूँ, वीडियो में भी ओरिजिनल बताती हूँ। आप लोग शायद नहीं वीडियो को देखते हैं, सिंपल कॉमेंट कर देते हैं, तो वो उसमें ओरिजिनल मैंने ऑलरेडी टाइटल में मैंशन करा होता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंशन करा होता है। मैं खुद भी बता रही होती हूँ ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल पाकिस्तानी है। और ये जो आपका शर्ट है, दुपट्टा है, इन पे सब पे स्टैम्प लगा हुआ होता है, ठीक है। तो कोई ऐसी छुपाने वाली बात नहीं है, कोई वैसा नहीं है कि मैं आपको धोखा देके आपको सेल कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेप्लिका भी मेरे पास आता है, ओरिजिनल भी आता है, बट रेप्लिका को मैं अपने खुद से ही रेप्लिका बताती हूँ और ओरिजिनल को ओरिजिनल बताती हूँ, ठीक है। कोई डाउट वाली इसमें चीज़ नहीं है। ये इसका बॉर्डर है दुपट्टे का सेम टू सेम पिंक कलर में ही आपको दिया हुआ है। ये इसकी कैटलॉग पिक्चर हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी पीस मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं दोबारा से आपको एक ग्रीन कलर दिखा रही हूँ, ठीक है, जो कि हमारा दूसरा डिज़ाइन होगा। ये देख लीजिए, ये हमारे पास ग्रीन में दूसरा डिज़ाइन है। सारे ग्रीन्स जो है ना वो आपस में एक दूसरे से अलग अलग हैं, ठीक है, और डिज़ाइनिंग भी अलग अलग है। उनका जो बॉर्डर का कलर्स वगैरह है वो भी आपको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। अब ये आप देख लीजिए, मैं आपको खोल के पहले स्लीव्स उसके दिखाती हूँ। ये देख लीजिए, तो ये हो जाएंगे हमारी इसकी स्लीव्स। ये आप देख लीजिए, ये पूरा स्लीव्स का इसका आपका प्रिंट आ जाएगा, ठीक है। इस पर भी डिजिटल प्रिंट दिया हुआ है, और जो इसका बॉर्डर है जो आप देख रहे हो वो आपको ग्रीन ही कलर में दिया हुआ है, ब्लैक नहीं है, ग्रीन ही कलर है। डार्क सा थोड़ा ग्रीन है, लेकिन डल ग्रीन है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, आई थिंक ये उसी का ही दूसरा डिज़ाइन दिया हुआ है। तो ये आप देखोगे, ये इसकी फ्रंट साइड है, ठीक है, ये देख लीजिए फ्रंट साइड जाएगी ये। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी जो बैक साइड दी हुई है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो इसकी बैक साइड जाएगी, और ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसका ट्राउज़र। हवा बहुत तेज़ चल रही है तो मैं उसके लिए आपको मतलब थोड़ा सा देखते रहेगा पेशेंट के साथ में, क्योंकि हवा को मैं नहीं रोक सकती। और ये इसका पैच है नेक लाइन का, ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा देखिएगा, इसका प्रिंट दुपट्टे का बहुत प्यारा सा दिया हुआ है। ये बिल्कुल सेम टू सेम शर्ट के ही मैचिंग का आपको दुपट्टा दिया हुआ है, वही प्रिंट है, वही कलर कॉम्बिनेशन है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये दुपट्टा हो जाएगा इसका, और ये बॉर्डर हो जाएगा जो कि ब्राउन कलर पे है। ऑर्गेन्जा का कलर सेम है, वही ग्रीन है, लेकिन उस पर जो एम्ब्रॉयडरी है रेशम का काम जो है वो ब्राउन कलर में है, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे, इसकी कैटलॉग पिक्चर हो जाएगी, सेम टू सेम वही आपको दिया हुआ है डिज़ाइनिंग। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ नेक्स्ट डिज़ाइन। नेक्स्ट डिज़ाइन जो मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ ना, ये हल्का सा लाइक ब्रिक रेड टाइप का शेड होता है ना, वो वाला ये शेड है, ठीक है। इसकी कैटलॉग पिक्चर आप देख लीजिए, कैटलॉग पिक्चर्स में ना थोड़ा ब्राइट ही नज़र आता है, लेकिन उतना नहीं है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। रेड से मतलब मेरा वो वाला रेड नहीं है जो बहुत ब्राइट सा रेड होता है, मेरा मतलब ये है जो ब्रिक रेड शेड होता है ना, हल्का सा लाइक पिंक में वैसा वाला होता है रेड टाइप का, तो उस टाइप का ये शेड है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ उसकी पहले स्लीव्स, ये देख लीजिए, ये इसकी स्लीव्स हैं, ठीक है। स्लीव्स में आपको पता चल जाएगा, जो ये आपको लाइन नज़र आ रही होगी इसमें, जो ये थोड़ा सा प्रिंट जो है वो अलग हो रहा है, वहाँ तक ये आपकी स्लीव्स हैं। इसके नीचे से आपका फ्रंट वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, फ्रंट वाले पार्ट का आपको प्रिंट मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। और ये देख लीजिए पूरा प्रिंट, ये फ्रंट वाले पार्ट पे आ जाएगा, इस वाली लाइन के नीचे आपकी ये बैक साइड आ जाएगी, ये देख लीजिए ये बैक साइड हो जाएगी, ठीक है। और ये हो जाएगा इसका ट्राउज़र का फैब्रिक, ये हो जाएगा इसका पैच, और दुपट्टा मैं आपको दिखा देती हूँ। दुपट्टा सब में सारे डिज़ाइंस में जो है आई थिंक शिफॉन का ही दिया हुआ है, ठीक है। ये आप देख लें, दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है, इसका कलर कॉम्बिनेशन तो है खैर प्यारा ही है, हल्का सा डार्क सा कलर है ना, तो इसमें और भी अच्छा लग रहा है। तो ये देख लीजिए, ये हो जाएगा इसका दुपट्टा, एंड ये आपका बॉर्डर दिया हुआ है जो कि
सेम टू सेम कलर में ही इसकी एम्ब्रॉयडरी आपको मिल जाएगी, जो कि इसके सूट का कलर है उसी शेड में। ये इसकी कैटलॉग पिक्चर, ठीक है। प्राइसेस देखिए, प्राइसेस के लिए प्लीज़ आप लोग वीडियो का टाइटल पढ़ लीजिएगा, मैंने प्राइसेस वीडियो के टाइटल में मेंशन कर दिए हैं, उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएंगे कि आप प्राइसेस इसके रहेंगे। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा इसका नेक्स्ट डिज़ाइन, जो कि है बहुत ही लाइट सा पिंक कलर, दोबारा से पिंक आ गया है। आई नो, आई थिंक ये हमारी वीडियो का लास्ट पिंक कलर है, तो ये आप देख लीजिए। एंड बहुत लाइट है, डल शेड है। डल से मतलब ये होता है जो बहुत ही लाइट से शेड्स होते हैं ना, बेसल शेड्स टाइप के, वो वाला मैं आपको शेड बता रही हूँ, ठीक है। ये देख लेते हैं इसकी स्लीव्स, और इसका कॉम्बिनेशन जो है वो ऑफ वाइट कलर के साथ है। ये देख लीजिए, तो ये स्लीव्स हो जाएंगी, ठीक है। ये आपका अब हो जाएगा इसका फ्रंट वाला पार्ट शर्ट का, ये देख लीजिए, ये शर्ट का फ्रंट साइड हो जाएगी, और ये यहाँ से अब इसकी बैक साइड आ जाएगी, ये देख लीजिए, ठीक है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका, ये तो देख लें पहले इसका पैच, ये इसके नेकलाइन का पैच दिया हुआ है। ये इसके ट्राउज़र का फैब्रिक है सेम टू सेम कलर में, और ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा आप देखिएगा बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, ये इसका दुपट्टा हो जाएगा, ठीक है। ये ना पूरा बनने के बाद एकदम स्मार्ट से पीसेस तैयार हो जाएंगे, जो कि आप कहीं भी पहन सकते हैं। इनफैक्ट अगर बहुत ही स्मॉल गेट टुगेदर है या फिर बर्थडे पार्टीज वगैरह हैं जहाँ पे आपको बहुत हैवी नहीं पहनना लेकिन थोड़ा स्मार्ट सा पीस होना चाहिए या फिर वैसा, तो उसके हिसाब से भी आप ले सकते हैं, गिफ्टिंग के हिसाब से भी आप इसको ले सकते हैं। और ये इसका बॉर्डर है जो कि ऑफ वाइट कलर में ही आपको एम्ब्रॉयडरी के साथ में दिया हुआ है। ये इसकी कैटलॉग पिक्चर हो जाएगी, ठीक है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ नेक्स्ट डिज़ाइन, नेक्स्ट डिज़ाइन एंड नेक्स्ट कलर, जो कि हमारे पूरे कैटलॉग में एक ही शेड दिया है, एक ही पीस में मतलब ये शेड आ रहा है। एक सेकेंड, चलें तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा नेक्स्ट डिज़ाइन, जो कि होने वाला है लाइट शेड, बहुत ज़्यादा लाइट लेमन टाइप का शेड है, ठीक है, येलोइश उसमें है। और ये इसकी कैटलॉग पिक्चर हो जाएगी, और अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी स्लीव्स, ये देख लीजिए। इसका कॉम्बिनेशन ना पर्पल कलर के साथ है, पर्पल एंड ग्रीन के साथ में अच्छा लग रहा है काफ़ी। आप ये पहले तो स्लीव्स देख लीजिए इसकी, ठीक है, ये पूरी स्लीव्स हैं। अगर आपको शॉर्ट करवानी है तो आप ऊपर से भी करवा सकते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा बॉर्डर है यहाँ से भी करवा सकते हैं। ये यहाँ से अब इसका फ्रंट साइड हो जाएगा, ये देख लीजिए फ्रंट साइड इसकी, ये बॉर्डर के बाद हो जाएंगी आपकी बैक साइड, ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये इसकी बैक साइड हो जाएगी, और ये इसका ट्राउज़र का फैब्रिक है, ये देख लीजिए। ये है इसका जो पैच है, पैच आप देख लें वही सेम टू सेम एम्ब्रॉयडरी के में कलर्स आ रहे हैं जो इसके शर्ट के प्रिंट में आ रहे हैं, ठीक है। और ये है इसका दुपट्टा, ये दुपट्टा आप देख लीजिए इसका, दुपट्टे में भी वही सेम टू सेम शेड्स आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, ये देख लीजिए, ठीक है। तो दुपट्टा जो है वो शिफॉन का है, हैवी शिफॉन है, जो कि बहुत इजीली सर से भी रुक जाएगा। तो अगर आपको ये है कि आपको सर से भी लेना है तो आप ले सकते हैं। एंड ये जो बॉर्डर दिया हुआ है दुपट्टे में लगाने के लिए, इससे भी काफ़ी जो है वो वेट आ जाएगा, और बहुत आराम से आपके इसमें सर से आप इसको ले सकते हैं। और ये है इसकी कैटलॉग पिक्चर, ये हमारे पूरे कैटलॉग में एक ही शेड है, पिंक एंड ग्रीन तो काफ़ी हैं लेकिन ये इस टाइप के शेड्स जो है ना, ये हमारे पास एक एक दो दो डिज़ाइन में ही हैं बस। तो अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ नेक्स्ट डिज़ाइन, नेक्स्ट डिज़ाइन जो हमारा ये है, ये हमारा है एकदम जो डार्क ब्लू होता है, जो बिल्कुल सिमिलर टू ब्लैक है उसके जैसा है, आप ही देख सकते हैं इसकी कैटलॉग पिक्चर, ठीक है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका शर्ट का फैब्रिक, ये देख लीजिए, ये इसका स्लीव्स का है, एक मिनट, ये स्लीव्स का आप देख लीजिए इसका प्रिंट, ठीक है, ये पूरा स्लीव्स का आ जाएगा। इसमें मैं आपको बता दूं, इसका ना लाइट ब्लू के साथ कॉम्बिनेशन है, बेस कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्लू है, जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि डल हमने, सॉरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा साइड की, तो ये जो मैं आपको बता रही थी कि इसका ना बहुत मतलब लुक वाइज ऐसा आ रहा है सामने से देखने में कि बहुत ज़्यादा डल सा ब्लैक शेड हो लेकिन है ब्लू की तरफ, और इस पर जो प्रिंट आपको नज़र आ रहा होगा लाइट शेड्स हैं, ग्रे में हैं, ब्लू में हैं, तो वो काफ़ी हाईलाइटिंग सा लग रहा है। और इसके नीचे ही आपका ये फ्रंट साइड हो जाएगा, ठीक है, ये आप देख लीजिए, और इसके नीचे हो जाएंगी आपका ये बैक साइड, ठीक है, तो ये आपका बैक साइड हो जाएगा इसका। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका
ट्राउज़र का फैब्रिक सेम टू सेम, एक सेकेंड ये देख लीजिए, डार्क कलर में आपको वही ट्राउज़र का मटेरियल दिया हुआ है, बिल्कुल ब्लैक लग रहा है तो आप ब्लैक ही मान के चलिए क्योंकि फिर आपको समझने में आसानी जाएगी। और ये इसका जो पैच है ये देख लीजिए, नेक लाइन का काफ़ी खूबसूरत सा पैच दिया हुआ है, पूरे पे रेशम का काम है। इसके पैचेस में एम्ब्रॉयडरी में कोई भी सीक्वेंस वर्क नहीं है, किसी भी पीस में आपको जरी का काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेशम का काम है सारे के सारे पीसेस में, ठीक है, जो पैचेस हैं या बॉर्डर वगैरह दिया हुआ है उसमें। और ये इसका दुपट्टा है, आप देख लीजिए, ठीक है, दुपट्टे का पूरा प्रिंट आप चेक कर लीजिए इसका, ये देख लीजिए। और ये जाएगा इसका बॉर्डर, बॉर्डर पे भी पूरा आपको शिफली वर्क दिया हुआ है, पूरे पे रेशम का काम आपको मिल जाएगा। और ये है इसकी कैटलॉग पिक्चर, ठीक है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ नेक्स्ट डिज़ाइन, नेक्स्ट डिज़ाइन जो हमारे पास है वो है ग्रे कलर में, ये देख लीजिए, ये इसका है ग्रे कलर, एक ग्रे मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, एक ग्रे हमारे पास ये वाला शेड है, ठीक है। ये डिज़ाइन भी आप देख लीजिए, उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ये देख लीजिए। और ये जाएगा इसका स्लीव्स का, ठीक है, ये देख लीजिए, स्लीव्स में हो जाएगा। और ये पूरा प्रिंट जो है इस पर पूरा फ्लोरल प्रिंट है, पिंक आ रहा है कलर, ग्रीन भी आ रहा है, पीच कलर भी आ रहा है। और ये इस लाइन के नीचे हो जाएगा आपका ये फ्रंट साइड, ठीक है, ये फ्रंट साइड हो जाएगी पूरा, और ये हो जाएगी इसकी बैक साइड, ये देख लीजिए, ठीक है। और ये हो जाएगा इसका आपका ट्राउज़र का फैब्रिक, और ये हो जाएगा इसका पैच, पूरा नेकलाइन का पैच आ जाएगा, काफ़ी मतलब पूरा लंबा सा, काफ़ी स्ट्रेट। और ये हो जाएगा इसका दुपट्टा, ये दुपट्टा आप देख लीजिए, शिफॉन पर पूरा है, प्रिंट पूरा चेक कर लीजिए इसका, ठीक है। और ये हो जाएगा इसका बॉर्डर, बॉर्डर पे पूरा वर्क आपको मिल जाएगा। अंदर चली जाओ अंदर, यहाँ पे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, ये पूरा बॉर्डर हो जाएगा इसका, रेशम का काम है इस पर, ठीक है। एंड ये इसकी कैटलॉग पिक्चर, और ये इसका अब मैं आपको दिखा रही हूँ ग्रीन कलर में, एक और हमारे पास पीस है, फिर हमारे पास ग्रे कलर में होगा, ठीक है, अभी तो हैं काफ़ी पीसेस दिखाने के लिए। और ये इसकी शर्ट का फैब्रिक है, ये आप देख लीजिए, और अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका स्लीव्स का, पीसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई है, मैं खुद बहुत थक गई हूँ अभी बनाते बनाते बोलते बोलते, तो ये देख लीजिए, बस थोड़े से ही और हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये वाला आई थिंक इसकी बैक साइड है, मैंने शायद स्लीव्स की तरफ से नहीं दिखाया है, एक सेकेंड मैं देख लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ, शायद मैंने आपको स्लीव्स की तरफ से नहीं दिखाया है, तो ये देख लीजिए, ये इसकी स्लीव्स है, ठीक है, दोनों स्लीव्स हैं। अच्छा देखिए, स्लीव्स का मैं आपको इसका बता दूँ, इसमें एक्चुअली क्या है कि जो डिज़ाइनिंग है वो थोड़ा नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, सर्कुलर टाइप का इसमें आपको डिज़ाइन मिल जाएगा, तो ये जो है ना एक स्लीव्स आपकी इस तरफ से है, तो ये आपका कटवर्क टाइप का लुक आ जाएगा स्लीव्स में, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये स्लीव्स हो जाएंगी, फिर ये स्लीव से कनेक्टेड है आपका फ्रंट वाला पार्ट, ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ से नीचे आपका ये फ्रंट वाला पार्ट हो जाएगा, पूरे पे डिजिटल प्रिंट आपको मिल जाएगा, ये फ्रंट वाला पार्ट है, ठीक है। और इससे कनेक्टेड है हमारा बैक साइड, ये देख लीजिए, और ये है इसके ट्राउज़र का फैब्रिक ग्रीन कलर में, सेम टू सेम ग्रीन कलर आपको इसमें मिल जाएगा। और ये इसका, एक सेकेंड पहले मैं आपको उसका पैच दिखा देती हूँ। अच्छा, इसमें एक्चुअली मैंने गौर नहीं करा है, तो इसमें एक डिज़ाइन में दो दो शेड्स हमारे पास हैं, जो कि मुझे भी आसानी जाती दिखाने में, बट कोई बात नहीं, अब तो वैसे भी वीडियो एंड होने वाली है। तो ये इसका पैच है, जो मैं आपको बताया था कि मैंने दो पैच टाइप के हैं, आप इसको अलग अलग करके भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको साथ में भी पूरा एक फ्रंट पर लगा सकते हैं। तो ये वो वाला इसमें पैच दिया हुआ है, ये इसका दुपट्टा है जो कि प्योर शिफॉन का दिया हुआ है, ये देख लीजिए, एंड पूरे पे आपको इसका प्रिंट मिल जाएगा ये, ठीक है। तो दुपट्टा आप देख लें, दुपट्टे पे जो है काफ़ी मतलब वही सेम टू सेम इसमें प्रिंट है, कोई भी इसमें एक अच्छी बात ये है कि कोई भी चीज़ कंट्रास्ट में नहीं दी हुई है, ठीक है। और ये दुपट्टे का बॉर्डर है जो कि आपको ऑफ वाइट कलर में एम्ब्रॉयडर्ड मिलने वाला है, ये इसकी कैटलॉग पिक्चर हो जाएगी, ठीक है।
और अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका नेक्स्ट डिज़ाइन, जो कि हमारा एकदम डार्क सा ग्रे कलर है। ठीक है, ये देख लीजिए। तो ग्रे के भी ना इसमें हमारे पास 2 से 3 डिज़ाइंस हो गए, लेकिन शेड सबके डिफरेंट है, कोई भी ऐसा सेम शेड में डिज़ाइन नहीं दिया हुआ है। तो पहले मैं आपको उसका शर्ट का दिखा देती हूँ। हवा इतनी तेज़ चल रही है आज कि बिल्कुल मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ये देख लीजिए, ये अब मैं पहले तो आपको उसकी स्लीव्स दिखा देती हूँ। ठीक है, इसका प्रिंट आप देखिएगा कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब ये ग्रे तो कलर है, लेकिन बहुत प्यारा सा कलर है, बहुत प्यारा डिज़ाइनिंग है। तो ये आप देखेंगे स्लीव्स का है। ठीक है, ये वाली लाइन आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर ये सारी स्लीव्स दी हुई हैं। इस लाइन के नीचे जो है ये आपका फ्रंट वाला पार्ट है पूरा, आप देख लीजिए इसका फ्रंट साइड, ये पूरा जो है इसका फ्रंट साइड है, और ये लाइन से नीचे इसकी बैक साइड है। ठीक है, ये देख लीजिए, और ये है इसका ट्राउज़र का फैब्रिक। ट्राउज़र का आप देखें सेम टू सेम ग्रे कलर में दिया हुआ है। और अब मैं आपको उसका पैच दिखा देती हूँ, पैच देख लीजिए। और ये है इसका दुपट्टा शिफॉन फैब्रिक पर, ये देख लें, प्योर शिफॉन दुपट्टा है, बिल्कुल डार्क ग्रे कलर है। इस पर पूरा प्रिंट आपको वही पर्पल ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, तो वही आपको प्रिंट जो है दुपट्टे पे मिल जाएगा। सबका मैं आपको बता दूं, दुपट्टा भी जो है अराउंड 2.5 मीटर दिया हुआ है, ट्राउज़र का मटेरियल भी 2.5 मीटर के अराउंड है। तो आपको कोई भी उसमें फैब्रिक में शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि ओरिजिनल पीस है, ओरिजिनल में कभी फैब्रिक कम नहीं आता है। ठीक है, ये बॉर्डर है सेम टू सेम ग्रे कलर पर, आपका ये बॉर्डर दिया हुआ है दुपट्टे के लिए। इसकी कैटलॉग पिक्चर, एक सेकेंड, उड़ गई थी तो ये देख लेंगे, इसकी कैटलॉग पिक्चर है। ठीक है, और अब हमारे पास रह गए आई थिंक 2 ही डिज़ाइंस दिखाने के लिए, वो भी मैं आपको जल्दी जल्दी से दिखा देती हूँ, फिर हम करेंगे वीडियो को एंड। नहीं, 2 नहीं है, आई थिंक 3 है, नहीं नहीं 2 ही हैं। चलें, तो पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो मैं दिखा रही हूँ इसका, ये एक और हमारे पास डार्क शेड है, ये इसकी कैटलॉग पिक्चर है। ठीक है, ये ग्रीन का दूसरा शेड है, जो मैंने आपको एक बीच में ग्रीन दिखाया था ना शुरुआत में, उसी का दूसरा है। मैं खोलूँगी ना, ओपन करूँगी तो आपको आइडिया, मतलब समझ में आ जाएगा थोड़ा सा कि कौन से वाली ग्रीन की मैं बात कर रही हूँ। ये देख लीजिए, ठीक है, तो ये वाला ग्रीन कह रही हूँ, मेरे दिमाग में ग्रीन रह गया। तो ये वाला हमारे पास शेड है, ग्रीन का ही दूसरा कलर है। ठीक है, और इसमें आप पूरा देखेंगे हल्का सा लाइक गोल्डन ब्राउन टाइप का इसमें आपको प्रिंट मिल जाएगा, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है पीस, काफ़ी इसमें जो प्रिंट है ना वो काफ़ी खिल कर आ रहा है। और इस वाइट लाइन, मतलब वाइट लाइन तो नहीं है सॉरी, ये लाइन के नीचे जो है आपका ये शर्ट का फ्रंट वाला पार्ट हो जाएगा। प्रिंट आप शर्ट के फ्रंट वाले पार्ट का चेक कर लीजिए, इस पार्ट के नीचे, इस वाली लाइन के नीचे आपकी बैक साइड आ जाएगी। ठीक है, और अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका ये पैच हो जाएगा, बहुत डिसेंट सा पैच दिया हुआ है। और ये इसका ट्राउज़र का फैब्रिक सेम टू सेम डार्क कलर में, और ये इसका दुपट्टा, दुपट्टे का प्रिंट आप चेक कर लें, दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। ठीक है, और सारे ही पीसेज में आपको प्योर का दुपट्टा दिया हुआ है, प्योर मतलब लाइक जो शिफॉन होता है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, प्योर शिफॉन दुपट्टा है, और ये इसका गोल्डन ब्राउन से कलर में आपको जो बॉर्डर है वो दिया हुआ है। ठीक है, एंड ये इसकी कैटलॉग पिक्चर है। आप लोगों से वही दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब आप लोग स्क्रीनशॉट लें तो थोड़ा सा कोशिश ये कीजिएगा, जब मैं आपको कैटलॉग पिक्चर दिखा रही होती हूँ तब आप स्क्रीनशॉट लें, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा ना आपको बताने में कि अवेलेबल है या नहीं आसानी हो जाए। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे वीडियो का लास्ट पीस, फाइनली हम लोग लास्ट पीस की तरफ आ ही गए। ठीक है, और ये हमारे पास दोबारा से एक पिंक कलर है, पिंकिश पीच टाइप का है, प्रॉपर पिंक नहीं है, हल्का सा पीच टाइप का शेड है। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं, फ्लोरल प्रिंट है इस पर भी पूरा, और बहुत अट्रैक्टिव सा लग रहा है। एक सेकेंड, चले ये पहले मैं आपको स्लीव्स दिखाऊंगी। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आपकी स्लीव्स हो जाएंगी। ठीक है, पूरा स्लीव्स का आप प्रिंट चेक कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और उस पर प्रिंट जो है ना वो डार्क शेड्स पे हैं, तो इसलिए काफ़ी अट्रैक्टिव भी लग रहा है। इस लाइन के नीचे ये आपका फिर फ्रंट साइड आ जाएगी। ठीक है, फ्रंट साइड का प्रिंट देख लीजिए, ये पूरा फ्रंट साइड का आ जाएगा, काफ़ी अट्रैक्टिव सा प्रिंट इसमें दिया हुआ है, और ये आपकी बैक साइड का प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, बैक साइड पर भी पूरा आपको एकदम भरा हुआ प्रिंट दिया हुआ है। ये इसकी ट्राउज़र का फैब्रिक है, और ये है इसका पैच, ये आप देख लें, पूरा एम्ब्रॉयडर्ड पैच है, पूरे पे रेशम का काम है, और ये है इसका दुपट्टा, ये देख लीजिए, पूरे दुपट्टे पे आपको प्रिंट मिल जाएगा। ठीक है,
ये देखिए तय बन के आते हैं ना, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि इसमें सिलवटें पड़ी हुई हैं, लेकिन अब वो कोई भी नहीं है। आप इसको आयरन करोगे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और हाँ, मैं एक बात और आपको बता दूँ, ओरिजिनल पीसेस जो होते हैं उनको श्रिंक करना ज़रूरी होता है, जो ओरिजिनल लॉन होती है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार इनको श्रिंक ज़रूर ज़रूर कर लीजिएगा। एंड जो आप फर्स्ट टाइम इसको आप श्रिंक करें, लाइक श्रिंक का मतलब ये होता है कि आप इसको थोड़ी देर पानी में भिगो दें, ठीक है, थोड़ी देर पानी में सोक कर लें, तो आप वो सॉल्ट वाटर में कीजिएगा। तो जो आपको ये होता है ना कि कलर ब्लीड कर गया, वैसे तो देखिए इतने जो कॉस्टली पीसेज होते हैं उनमें कोई कलर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन हम लोग की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, किसी भी सेलर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमें भी आइडिया नहीं होता काफ़ी बार कि कोई पीस कलर ब्लीड कर जाएगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें आपको मैं यही समझा सकती हूँ कि आप लोग जो फर्स्ट इसको सोक करें वाटर में श्रिंक करने के लिए, तो वो प्लीज़ आप लोग जो है सॉल्ट वाटर में कीजिएगा, उससे काफ़ी हद तक जो ये कलर ब्लीड वाली प्रॉब्लम होती है वो नहीं आती है, ठीक है। लेकिन जेड के ओरिजिनल पीसेज हैं और सारी ही लाइट शेड्स हैं, कोई इतना डार्क शेड इसमें नहीं है, लेकिन हाँ कुछ पीसेज हैं जो कि डार्क कलर हैं, तो उसमें आपको यही कहूँगी सॉल्ट वाटर में कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है इसका, मैंने आपको कैटलॉग पिक्चर दिखा दी लास्ट पीस हमारे वीडियो का। तो अब जो भी आपको इसमें पसंद आया हो उसका आप हमें प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके प्राइस आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि प्राइस जो है इसका ये थोड़ा सा मतलब ओरिजिनल पीस है तो कॉस्टली ही रहेगा, तो आप लोग प्राइस एक बार चेक कर लीजिएगा, और फिर जो भी आपको ऑर्डर करना हो उसका स्क्रीनशॉट आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पर ही हम लोग इसमें ऑर्डर्स लेंगे, ठीक है। इस पर कोई COD अवेलेबल नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट पर ही ऑर्डर कन्फर्म होगा, जीपे, फ़ोनपे, नेट बैंकिंग, पेटीएम, ऑनलाइन जैसे भी आपको ईजी पड़ता है आप वैसे इसका पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। Thank you so much for watching our video. Please do like, share and subscribe our channel.